अस्सलाम वालेकुम साम फैम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है 24 नवंबर एंड आज है मेरे मियाँ का बर्थडे। बट जैसा आपको पता है कि मैं अभी कहीं बाहर वगैरह नहीं जा सकती, तो मैं कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। एंड सोचा तो मैंने बहुत कुछ था वैसे, बट कोई नहीं, हम अपना बर्थडे, बच्चे का बर्थडे, मियाँ का बर्थडे, एनिवर्सरी, सब कुछ एक साथ इंशाल्लाह इकट्ठे ही मना लेंगे। और आज तो मैंने इतने टाइम के बाद स्टेयर्स भी यूज़ करना स्टार्ट किया है। आज मैं एक फ्लोर चढ़ के ऊपर आई हूँ। ऊपर हम लोग धूप में बैठे हुए थे, बच्चे की मालिश वगैरह भी सब यहीं हुई थी, काफ़ी वो भी एक्टिव फील कर रहा था धूप में एंड मैं भी। और बस अभी नाश्ता पानी हो गया है, अब जा रही हूँ। ये आज घर पे ही है, आज हम लोग रात भर नहीं सोए। पता नहीं कल वो बहुत अनईजी था, बहुत क्रैंगी था, इतना रो रहा था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ना उसके कहीं पेन था, ना वो भूखा था, ना ही उसने पॉटी करी थी, पता नहीं क्यों रो रहा था और बार बार उठ रहा था, तो हम लोग भी सो नहीं पाए। इस चक्कर में ये भी आज ऑफिस नहीं गया तो इन्होंने गोला टिका दिया। सो आज कोई प्लान नहीं है, बट मेरी एक फरमाइश थी कि भाई अपने बर्थडे में यार कुछ खिला पिला दो अच्छा ढंग का। और फरमाइश सिर्फ मेरी एक है कि यार मेरे को कॉफ़ी पिला दो, मतलब कोल्ड कॉफ़ी की फरमाइश तो मैं अभी काफ़ी टाइम तक नहीं कर सकती हूँ, रीज़न बीइंग माई लिटिल इन्फेंट। बट हॉट कॉफ़ी तो पी सकते हैं यार, मतलब कैफीन की इतनी डिफिशियंसी हो गई है मेरे बॉडी में कि अब मेरे बहुत तड़प हो रही है। तो मैंने बस इतनी सी फरमाइश करी है, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। बट अभी मैं जा रही हूँ, बहुत तेज़ धूप लग रही है यहाँ पे, अब मैं जा रही हूँ सारा काम समेट के नीचे, उसके बाद रेडी होते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। आई आज मेरा सोना बाबू शीरमाल बना हुआ है, ऑरेंज पहना हुआ है। ओके, सो शाम हो गई है एंड मैं इसको काफ़ी टाइम से इसी तरह से लेकर बैठी हूँ सुलाने के लिए, बिकॉज़ सुबह से बहुत टूटी टूटी नींद में सो रहा था, बार बार उठ के रोना स्टार्ट कर दे रहा था, फिर अम्मा ने नज़र उतारी है तब जाके थोड़ा सुकून से अभी सोया है, और इसीलिए मैं इसको नीचे नहीं उतार रही हूँ, वरना फिर उठ के रोना स्टार्ट कर देगा। एंड ऑफिशियली हमारे यहाँ ठंड आ चुकी है, सो हम लोगों ने ब्लैंकेट वगैरह भी निकाल लिया है, और इसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है। तो बर्थडे का कोई भी ऐसा प्लान नहीं था, बट मेरे भाई जो हैं वो मैं इनके लिए केक वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसी को ही सेलिब्रेट कर लेंगे। एंड अम्मा ने बनाया है बिरयानी और ज़र्दा, तो यही छोटू सा एक सेलिब्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब मैं सही हो जाऊँगी, पूरी तरह से बाहर निकलने लगूँगी, तब हम लोग फिर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो फिलहाल इनको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाते हैं, क्योंकि मैंने इनके लिए गिफ्ट भी ऑर्डर कर दिया था एंड वो टाइम पे पहुंच भी गया है। ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे, बट मैं आप लोगों को भी अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। तो ठंड आ चुकी है इसलिए मैंने इनके लिए मंगाया था ये जैकेट और ये सारे स्वेट शर्ट्स हैं। रिएक्शन भी एक्शन दिया करो यार, सड़ा हुआ कंटेंट भी नहीं देते हो मेरे को व्लॉग में। ये मेरे लिए सोशल लाइन थी बंटी भैया के लिए गिफ्ट, जो कि अब दे रही हैं। देखिए आज ही उसे मंगाया है इन्होंने, अब देखते हैं क्या लाई हैं ये। थैंक यू। थोड़ा सा कड़ल करेंगे लोग। हाँ मैंने देखा, मैंने कहा था देखो अब ये निकालेंगी जैकेट इसमें से। अरे वाह, क्या बात है, चलो पहन के दिखाओ। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ पहनाओ। यस, जस्ट लुकिंग लाइक अ सैम पहनाओ। Just looking like a पहनाव। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। शर्मा भी गई, शर्मा गई थी भारी वाली। ये देखिए छुपाया है कहीं, पापा ना देखने, देख लिए ये और छुपा क्या है।
ओके सो हो गया है दूसरा दिन और अभी बज रहे हैं दोपहर के एक। मेरे पास किसी चीज़ की फुर्सत नहीं है क्योंकि एक अलार्म है ना हमारे पास, ये जनाब पूरी रात जगते हैं। मतलब कल तो हर आधे घंटे पे इसने हमें जगाया है और कल मेरे खुद इतना पेन था, मतलब मेरे स्टिचेस वाले पार्ट में इतना पेन हो रहा है और अभी ठंड बढ़ गई है तो मेरे बैक में इतना पेन हो रहा है, मेरे से बार बार उठना और इसको ले के बैठने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन है। बट कैरी तो करना ही है और रात में तो हम लोग को ही संभालना पड़ता है, तो इसलिए कोई चारा ही नहीं है किसी चीज़ का। बट अब जाके इनकी हुई है मालिश और ये जनाब तैयार होके लेटे हैं मज़े से। कल इनके बाबा जानी इनके लिए नई कैप लेकर आए थे, पहली बार वो बेबी शॉपिंग पे गए थे और ये आज मैंने इनको ऐसे कजलौटा लगाया। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है काजल वाजल, बट अप्पी ने बहुत बार बोला तो इसलिए मैंने थोड़ा लगा दिया है और फिर जब ये सो के उठेगा वो अपने आप ही वैनिश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं इनको फीड वीड करा के सुलाऊंगी और उसके बाद खुद भी सोने की कोशिश करूंगी, जो अभी भी करी थी मैंने बट हो नहीं पाई। तो आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, तो ये लड़का लिटरली उसी को प्रूव कर रहा है क्योंकि मैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हूँ इसके पीछे। शाम के 7:30 बज गए हैं, ना आज मैंने दिन में खाना खाया है ना मैंने आज कपड़े बदले, सिर्फ इसे संभालते संभालते। जैसे ही मतलब मैं लेटती हूँ या कमर टिकाती हूँ, पता नहीं इसको पता कैसे चल जाता है कि भाई मतलब मैंने आराम फरमाया है, बस अंगा अंगा अपनी अंगा को बुलाना स्टार्ट कर देता है। फिर इनको देखो, फिर इनको चेक करो, फिर संभालो। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ भाई, ज़िंदगी से थक गई हूँ। तो अभी आया है पार्सल और मैंने मंगाया था ये स्लीपिंग बैग, जो कि ब्लू कलर में मंगाया था मैंने, बट आया है सी ग्रीन कलर का। बट कोई नहीं, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, इसमें हम इसके पैर डाल देंगे और उसके बाद यूं पैक करके यहाँ पे इसकी मुंडी सेट कर देंगे। तो ये काफ़ी क्यूट लग रहा है, कलर मैंने दूसरा मंगाया था बट डिलीवर दूसरा हुआ है, बट इट्स ओके, प्यारा लग रहा है तो इट्स फाइन। और ये अभी आए हैं और ये अप्पी ने दानू बाबा के लिए कपड़े भेजे हैं फिर से, क्योंकि उसके पास वुलन की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी तो ठंड स्टार्ट हुई है तो उसके पास है नहीं, तो अप्पी ने ये भेजा है हुडी और ये छोटे छोटे से जॉगर पैंट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट है। बोल रही थी कल पहनाना, तो जब कल पहनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ओके सो हो गया है दूसरा दिन एंड आज मैं कर रही हूँ अपने कबर्ड की सफाई, क्योंकि ये ठंड आ चुकी है तो मैं वुलन कपड़े जो है वो निकाल रही हूँ, ठंडे वापस रख रही हूँ, प्लस मेरे को घर भी जाना है तो उसके लिए भी थोड़ी शफलिंग कर रही हूँ, प्लस कल मेरे 40 days कंप्लीट हो जाएंगे तो जो भी इस दौरान में कपड़े वगैरह पहने जाते हैं ना वो दे दिए जाते हैं, तो जो कुछ भी देने लेने का है मैं वो भी अलग कर रही हूँ, जो हमें डिस्कार्ड करना है या डोनेट करना है कुछ भी। और कल बहुत बुरा रोया है ये रात में, कल मतलब हम दोनों ने नहीं बाकी भी घर में सबने इसे संभाला है, बट इतना परेशान किया है इसने कल रात, इतना परेशान किया है कि बिल्कुल समझ के बाहर है कि इसको हो क्या है। सो ये उठ के फिर से रोने लगा था इसलिए मेरे को थोड़ी देर पॉज लेना पड़ा। बट जैसा मैं कह रही थी कि मेरी कल मेरा 40 days वाला पोस्टमार्टम पीरियड ओवर हो जाएगा, बट जो बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी होती है ना वो अभी लाइफ टाइम है, एंड आई होप कि मैं सबसे चीज़ें सीख के समझ के और फिर अपने बच्चे को बेटर वे में नर्चर कर सकूँ, बिकॉज आगे मेरे को इसके साथ अकेले रहना है। एंड मैं मतलब थोड़ी नर्वस हूँ बिकॉज दिस इज़ लाइफ चेंजिंग, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं माशाल्लाह इन्फिनिटी टाइम्स माशाल्लाह। और मैं उनको भी बहुत बार थैंक यू बोलती हूँ और मैं इस पर भी बताना चाहती हूँ, दूसरों को बताना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि ही इज़ वेरी 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 लाइक सपोर्टिव, और वो हम लोग रात में एक बराबर का जगते हैं, ही नोज़ हाउ टू हैंडल अ किड, वो डाइपर भी चेंज कर लेते हैं, वो दूध भी बना लेते हैं, उनका बस चले तो वो कपड़े भी धुल दें। बट जो भी है आई एम सो थैंकफुल, सबके लिए थैंकफुल हो। यहाँ पर जो मेरी सास हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और जो मेरे देवर हैं वो लोग भी इसे संभाल लेते हैं, बहुत हेल्प हो जाती है मेरी। बट जब अकेले जाऊँगी तो पता नहीं कैसे मैनेज होगा, बट जो भी होगा करना तो पड़ेगा ही, बिकॉज़ हर कोई हमेशा साथ नहीं होता। तो बस यही है और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और कल हम लोग नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे बिकॉज कल मेरी भी लाइफ का एक नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, एंड आई थिंक आई शुड टेक लीव नाउ टिल मीट अनदर टाइम। अल्लाह हाफिज़।